आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को एक और बड़ा झटका दिया है। आईसीसी की सदस्यता से सस्पेंड करने के बाद उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी भी श्रीलंका से छीन ली है। श्रीलंका के बजाय अब ये वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका मौजूदा चैंपियन हिंदुस्तान है। पीसीबी ने अपने पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल को पाकिस्तानी टीम का फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। वहीं पूर्व दिग्गज स्पिनर सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग का कोच बनाया गया है। इससे पहले मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान टीम का टीम डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर होने के बाद युजवेंद्र चहल ने एक्स हैंडल पर एक इमोजी शेयर करके अपना दर्द बयां किया है। चहल के अलावा भुवनेश्वर कुमार और संजू सैमसन को भी सिलेक्टर्स ने नजरअंदाज कर दिया। भारतीय चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को मिली है। वनडे वर्ल्ड कप में खेलने वाले ज्यादातर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। टीम में जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेटकीपर, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 14 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। वार्नर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने अपने दम पर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को कई मैच जिताए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जानकारी दी है कि सिलेक्टर्स ने फैसला किया है कि वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी जीतने के बाद डेविड वार्नर अपने घर लौटेंगे। वार्नर की जगह 24 साल के आरोन हार्डी को स्क्वाड में जोड़ा गया है। फाइनल में 6 विकेट से जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत का वर्ल्ड कप सपना तोड़ दिया है। वसीम अकरम ने कहा है कि जाहिर तौर पर फाइनल हारने से भारतीय टीम टूट गई होगी, लेकिन क्रिकेट में ऐसी चीजें होती रहती हैं। भारत का एक दिन खराब रहा और दुर्भाग्य से ऐसा फाइनल में हुआ। आप उनके स्ट्रक्चर, खिलाड़ियों के लिए पैसा, समझदारी से तैयार कार्यक्रम और बैकअप प्रतिभा को देखें। उन्हें सिर्फ ये चीजें जारी रखने की जरूरत है। उनका क्रिकेट काफी अच्छी स्थिति में है। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी शान मसूद को मिली है। सईम अयूब और खुर्रम शहजाद को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वहीं फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम और मीर हमजा की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज टीम का कप्तान शाई होप को और उपकप्तान अल्जारी जोसेफ को बनाया गया है। वेस्टइंडीज की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालीफाई भी नहीं कर सकी थी।